नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ग्रुप चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ई से संबंधित आए दिन झूठे और गलत मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही मामला लेकर आया हूं, जिस मामले में पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराया गया था। और ये जो मुकदमा था, माननीय उच्च न्यायालय ने मेडिकल के आधार पर, यानी जो डॉक्टरी मुहैया होता है उसके आधार पर, और FIR देरी से दर्ज की गई थी इसके आधार पर रद्द कर दिया। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उसने झूठा और फर्जी मेडिकल लगवा दिया है, साथ ही साथ मामले को लेट से दर्ज कराया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के अपने ऊपर लगे 498A के झूठे मुकदमे को रद्द करा सकती हैं। तो आइए इस मामले को डिटेल में समझते हैं और सारी बातों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A 125 CRPC DV Act Section 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती है, कैसे 498A क्वेश्चन करा सकती है, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV Act खारिज कराएंगे, Section 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई पैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498A क्वेश्चन किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है अगर सेम मामला आपका भी होगा तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकते हैं। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा को भी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो राधा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है, और ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो ये आरोप लगाती है कि शादी के बाद पति और पति के घर वाले उससे फॉर्चूनर गाड़ी की डिमांड करते थे, दहेज मांगते थे, और आए दिन इसी के लिए उसके साथ मार पिटाई करते थे। इसके आधार पे 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज हो जाता है। जबकि FIR दर्ज हो जाता है तो पति और पति के घर वाले इस मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करती हैं और पेसिंग का एप्लीकेशन 482 CRPC के अंतर्गत हाई कोर्ट में मूव करती हैं।
अब देखिए, पति और पति के घर वालों की तरफ से ये फैक्ट कोर्ट में बताया जाता है कि देखिए, जो पत्नी ने ये मामला दर्ज कराया है वो गलत मामला है, जो भी आरोप लगे हैं झूठे हैं, उनके कोई साक्ष्य नहीं है, सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप है। साथ ही साथ यह भी फैक्ट कोर्ट में बताया जाता है कि देखिए, शादी 2015 में होती है, उसके बाद पति पत्नी में कुछ विवाद होता है तो पत्नी मायके चली जाती है और 2018 में पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए केस दर्ज करा देती है। अब जब मेंटेनेंस का केस दर्ज हो जाता है उसके 2018 में, उसके बाद जो पति होता है 2019 में डिवोर्स के लिए केस लगा देता है, यानी विवाह विच्छेद के लिए केस लगा देता है। तो पत्नी का 2018 में 125 सीआरपीसी दर्ज होता है, 2019 में पति का डिवोर्स का केस दर्ज हो जाता है, दोनों मुकदमे चलते हैं। फिर जो पत्नी होती है 2022 में आकर के 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है। तो पहली चीज कि इतना अंतराल क्यों रखा गया, क्यों गैप इतना हुआ, इसका कोई वजह नहीं है। जब पति पत्नी में पहले से ही विवाद थे, केसेस चल रहे थे, तो 498A को इतना लेट से और बाद में दर्ज कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई। 125 सीआरपीसी जब दर्ज हुआ तभी पत्नी को 498A दर्ज करा देना चाहिए, लेकिन 2018 का विवाद था उसी समय केस दर्ज हो सकता था, लेकिन 2022 में क्यों मामला दर्ज हुआ, कोई इसका उचित कारण नहीं बताया गया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसी से ये मामला झूठा साबित हो सकता है। साथ ही साथ अगला फैक्ट ये कोर्ट में बताया जाता है कि पत्नी जो भी मारपीट का आरोप लगाई है वो यही कही है कि उसके साथ आए दिन मारपिटाई होती थी, तो उसने कोई विशेष आरोप नहीं लगाया है कि कब उसके साथ मारपिटाई हुई, किस प्रकार से मारपिटाई हुई। पत्नी का ये कहना है कि आए दिन उसके साथ मारपिटाई हुई जिससे उसके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और काफी उसे दर्द होता है, परेशानी होती है, पीड़ा होती है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट उसने लगाया है तो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई घाव या दर्द नहीं दिखाया गया है जो दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो कि रीढ़ की हड्डी में चोट आया है। तो पत्नी यहाँ झूठ बोल रही है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है कि रीढ़ की हड्डी में कोई घाव हो या चोट हो, और जो भी मारपीटाई की घटना है वो कभी बताया ही नहीं गया है कि कब हुआ, बस यही कह दिया गया है कि आए दिन उसके साथ होता था। तो जो भी आरोप लगे हैं गलत आरोप लगे हैं। पहली चीज तो ये कि मेडिकल की जांच की गई है और मेडिकल गलत है, दूसरी बात ये कि लेट से FIR दर्ज हुआ है, तो क्यों दर्ज हुआ है इसका भी उचित कारण नहीं है। जब कोर्ट मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही सारे फैक्ट पाता है और कोर्ट यही कहता है कि जो मेडिकल है वो गलत है। पहली चीज तो पत्नी का कहना है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, तो रीढ़ की हड्डी में चोट का कोई रिपोर्ट ही नहीं है और मामला देरी से दर्ज हुआ है, तो क्यों दर्ज हुआ है इसका कोई भी उचित कारण नहीं है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, आपकी भी पत्नी ने कुछ इसी प्रकार से झूठ बोला है, वो दर्द दिखा रही है, चोट दिखा रही है, लेकिन मेडिकल में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप इस जजमेंट को लगा सकती हैं, या फिर आपकी पत्नी ने मामले को देरी से दर्ज कराया है, आपकी केस दर्ज कराने के बाद दर्ज कराया है, तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा सकती हैं और फायदा ले सकती है। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।